जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप तमाम छात्रों का, प्यारे गुरुजी का, रउआ लोगन का, बिहार वासियों का और करंट अफेयर की तैयारी करने वाले हर छात्रों का मैं सर्वेश अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय महाकाल, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल सर्वेश क्लासेज KGG पे। साथियों, यह है करंट अफेयर की लाइव शो के तहत मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, और इस क्लास में साथियों करंट अफेयर का महारिविजन किया जाता है। और महारिविजन जो है वो आपको कहां से किया जाता है, तो पूरा डिटेल महारिविजन आपको दिखाते हैं, जो कि आपको करवाया जा रहा है विभिन्न सोर्सों से। उस हर सोर्स को करेंगे, डिटेल के साथ करेंगे। साथियों, आप यहां से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने करेंट अफेयर की तैयारी को धार दे सकते हैं। साथियों, सबसे पहले 22 जून का कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर देखेंगे, और ये करेंट अफेयर उन छात्रों के लिए है जो कि सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे वन डे एग्जाम की तैयारी करते हैं, जस्ट लाइक ए बिहार पुलिस वाले इस करेंट अफेयर को देखकर करेंट अफेयर का टेंशन भूल जाएंगे। हर दिन मात्र गायत्री मंत्र की तरह, हर दिन मात्र आपको इस गायत्री यज्ञ में, करेंट अफेयर सोहा यज्ञ में जो है, मात्र आपको शामिल होना है 10 से 15 मिनट। सबसे पहले हम आपको छोटे लेवल के एग्जामों के लिए ही करेंट कराएंगे, लेकिन यहाँ पे करेंट अफेयर का जो स्टेटस है, जो सिनेरियो है, वो यूपीएससी तक का है, बीपीएससी तक का है। लेकिन सबसे पहले हमारे प्यारे भाई, छोटे भाइयों के लिए है, जो इतना करेंगे और उसके बाद वो विदा ले सकते हैं। साथियों, पहला प्रश्न है, साथियों आपका पहला प्रश्न है कि 21 जून 2023 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, तो यह नमा मनाया गया। और आपको बताए थे कि 2014 में इसकी घोषणा हुई थी और 2015 से मनाया जाना स्टार्ट किया गया था। लेकिन क्या यह पूछे जाएगा, तो नमा पूछा जाएगा, या इस बार का थीम पूछा जाएगा, तो थीम क्या है साथियों, योगा फॉर वासुदेव कुटुम्बकम इस बार का थीम है। और मोदी जी कहां योग कर रहे हैं, तो मोदी जी योग कर रहे हैं अमेरिका में जाकर योगा कर रहे हैं। और इस बार का जो योग का सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित हुआ, वो आयोजित हुआ है जबलपुर में। कहाँ आयोजित हुआ है साथियों, जबलपुर में आयोजित हुआ है। अगला सवाल है साथियों, कौन अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेगी, तो पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनी है नुसरत चौधरी। और ये नुसरत चौधरी कहाँ की बनी है, तो अमेरिका की बनी है। कहाँ की बनी है साथियों, तो अमेरिका की बनी है, अमेरिका की पहली महिला जज है। ओके, तो अमेरिका सीनेट द्वारा नुसरत चौधरी, देख रहे हैं नुसरत चौधरी यही है। अगर आपके पास शिक्षा का बल है, आप हिंदू है कि मुस्लिम है, सिख है कि ईसाई है, गरीब है कि अमीर है, दलित है कि शोषित है, वंचित है कि अग्रा है कि पिछड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमने अपने चैनल के स्टेटस में भी लगाया है, कवर में भी, कि आपका, और भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप अगर चाहते हैं चोरी करके, बेईमानी करके अमीर तो हो सकते हैं, लेकिन शिक्षित व्यक्तियों की तरह सम्मान नहीं पा सकते। इसलिए दबा के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है सर्वेश क्लासेस KGG को। यहाँ आपको पूरा डिटेल कराते हैं और आराम आराम से कराते हैं, ठीक ना। तो मुस्लिम संघीय महिला हुआ, बांग्लादेश भी अमेरिका और पहली मुस्लिम अमेरिकी महिला ग्रुप में संघीय न्यायाधीश बनी है। वह पार्टी लाइन के साथ 50 से 49 वोट प्राप्त करने के बाद न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन संघीय अदालत में एक संघीय न्यायाधीश के रूप में काम करेगी। ओके, अमेरिकन सिविल लिबर्टी यूनियन ने उनकी पुष्टि की है, वह वर्तमान में लियनो इसके ACLU में कानूनी निदेशक के पद संभाल रही है। ओके साथियों, किसने कैनेडियन ग्रांड प्री जीता है, अभी देखिए जितना भी ग्रांड प्री है, मतलब फॉर्मूला 1 रेसिंग, वो सारा जीत रहा है कौन, तो मैक्स वेटरपेन। तो याद रखिएगा, मैक्स वेटरपेन ने कैनेडियन ग्रांड प्री जीता है, और इससे पहले जो मलेशियन ग्रांड प्री था वो भी जीता था मार्क्स वेटरपेन। कनाडा जेपी में मैक्स वेटरपेन की जीत के साथ ही रेड बुल ने अपनी 100वीं रेस जीत ली। 2004 में से डब्ल्यू करने वाली रेड बुल का कार रेसिंग कंपनी ने अब तक 356 रेसों में हिस्सा लिया है, जिसमें से वो 100 बार क्या रही है, पोडियम फिनिश की है। पोडियम फिनिश करना, देखिए कभी कभी क्या होता है, ये जो फॉर्मूला 1 का गाड़ी है एक्सीडेंट कर जाता है, तो पोडियम फिनिश का मतलब कंप्लीट करके रेस को जीतना, इसने रेड बुल के ड्राइवर मार्क्स वेटरपेन ने क्या किया, जीता है। रेड बुल सफलता प्रतिशत लुइस हैमिल्टन के लगभग बराबर है, क्योंकि 2017 में आपको पता है कि एक और खिलाड़ी है लुइस हैमिल्टन, ओके, उनका भी तगड़ा रिकॉर्ड है फॉर्मूला 1 रेसिंग में उन्हीं के साथ। बहरहाल, कनाडा जीपी में वेटरपेन ने 1 घंटा 33 मिनट 58 सेकेंड और ये 3.4890 सेकेंड के समय में बाजी मारी।
स्थान पर +9.57 सेकेंड के साथ है। कौन है साथियों? तो एस्टर्नर मार्टिन के फर्नांडो अलोंसो, दूसरे तो मर्सिडीज के लुईस हैमिल्टन। ये मर्सिडीज के लुईस हैमिल्टन ने क्या किया, तीसरे स्थान पर है। ओके साथियों, रेस है, विनर है स्पेनिश ग्रांड फ्रिक्स 2023 मैक्स वेस्टरपेन, मोनाको ग्रांड फ्रिक्स 2023 मैक्स वेस्टरपेन, उसके बाद बहरीन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेस्टरपेन, और एक सऊदी अरब का, देखिए सऊदी और अजरबैजान मुस्लिम कंट्री में जो दो ग्रैंड प्री हुआ है तो उसमें दो जीते हैं सार्जियो पेराज। तो याद रखिएगा, सऊदी अरब और अजरबैजान के ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीते हैं सार्जियो पेराज, जो कि सार्जियो पेराज इसमें कितने नंबर पर है, इसमें सार्जियो पेराज तो नंबर में रहा ही नहीं। तो सार्जियो पेराज जो जीता है सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023। ओके साथियों, आइए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। किस देश ने योग को बढ़ावा देने वाली पहली विदेश सरकार के रूप में इतिहास रचा है? योग को बढ़ावा देने वाली पहली विदेश सरकार के रूप में इतिहास रचा है ओमान ने। ओके, ओमान ने भारतीय दूतावास में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के अवसर पर सोफुल योग सेरेन ओमान शीर्षक से एक अनूठा वीडियो पेश किया। इस पहल से अग्रणी माना जाता है और विभिन्न देशों में, ठीक ना, और पहल के माध्यम से योग को बढ़ावा देना। भारतीय दूतावास विभिन्न पहलों के माध्यम से ओमान में योग को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल है। 2022 में ओमान के प्रमुख शहरों में 75 से अधिक योग कार्यक्रम की विशेषता वाले 75 दिनों के उत्सव मस्कट योग उत्सव का आयोजन किया गया है। और ओमान की राजधानी क्या है? तो मकसद है। और ओमान कहाँ अवस्थित है? ये जो आपका ऐसे आप देखिएगा तो ये अरब प्रायद्वीप में, यहाँ पर क्या है आपका, ओमान स्थित है, ठीक ना। कौन से दो दिवसीय G20 शंघाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये G20 सर्व संघाई शिखर सम्मेलन का मेजबानी अपना प्यारा बिहार करेगा। और ये बिहार के कहाँ होगा? तो बिहार का अशोक कन्वेंशन हॉल पटना में आयोजित की जाएगी साथियों। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, पटना में 22 से 23 जून को G20 सर्व सहभागिता समूह की दो दिवसीय शिखर सम्मेलन होगा। सम्मेलन में G20 सदस्य देशों और अतिथि देशों के लगभग 250 प्रतिनिधि भाग लेंगे। आयोजन को लेकर बिहार राज्य कला संस्कृति और युवा विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। आकाशवाणी से बातचीत में कला संस्कृति और युवा विभाग के सचिव वंदना प्रियासी, तो ये सचिव कौन है? वंदना प्रियासी, जिन्हें को ये दायित्व सौंपा गया है, ने कहा प्रतिनिधि अन्य मुद्दों के अलावा महिला सशक्तिकरण और प्रौद्योगिकी पर चर्चा करेंगे। सचिव ने कहा कि मेजबान राज्य के रूप में बिहार दुनिया की अपनी स्पोर्ट पावर संस्कृति खान पान विरासत को लिट्टी चोखा को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। अगला सवाल देखिए साथियों, किसे यूरोपियन निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ये किसे सम्मानित किया गया? अरुंधति रॉय को। किसे? और अरुंधति रॉय एक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी पुस्तक है? तो अरुंधति रॉय की ही पुस्तक है। ओके, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अरुंधति रॉय को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार मिला। और यह पुरस्कार चार्ल्स विलन फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अरुंधति रॉय के निबंधों से की पुस्तक आजादी विशेष रूप से फ्रांसिस अनुवाद को मिला है। ओके, कहता है किसे आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया स्वामीनाथन जानकी रमन को। किसे? स्वामीनाथन जानकी रमन को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है कि आरबीआई जो है ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बना था, और आरबीआई का जो है आपका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, और उसके बाद से आरबीआई का वित्तीय वर्ष क्या है, 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक है। ओके, और आरबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आरबीआई का अध्यक्ष है शक्तिकांत दास। ओके, कहता है जर्मन शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो जर्मन शांति पुरस्कार प्रदान किया गया सलमान रश्दी को। किसे? सलमान रश्दी, प्रसिद्ध ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रश्दी को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया है। जर्मन बुक ट्रेड किने शांति पुरस्कार के लिए, और क्या है, 2017 में एक अभियान के दौरान कनाडाई लेखक मार्गेट एडवुड सेंसरशिप का सामना कर रहे उत्पीड़न लेखकों के ध्यान आकर्षित करने के लिए सलमान रश्दी के साथ शामिल हुई, और अपने डायरेक्शन उपन्यास टेल के जाने वाले। और इनको तो पता ही आपको कि गोली भी मार दिया गया था, और गोली में ये क्या कि अपना एक आंख भी गवा दिए हैं, देख रहे हैं, लेकिन इन्हें अब मिल रहा है पुरस्कार सलमान रश्दी को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर था। अब आइए दूसरा करंट अफेयर करते हैं। ये तो आप जानते ही हैं, योग डिप्लोमेसी में मोदी ने बनाया विश्व कीर्तिमान। यूएन में 180 देशों के प्रतिनिधियों ने किया योग, अधिकतम राष्ट्रीयता के लोगों की भागीदारी का बना विश्व रिकॉर्ड। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीएम मोदी ने क्या किया? मणिपुर पर केंद्र ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, 24 जून को अमित शाह करेंगे सभी दलों की वार्ता।
अब देखिए, प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, अमित शाह करेंगे सर्वदलीय बैठक में चर्चा। मणिपुर में 1.5 महीने से जारी जातीय हिंसा के समाधान पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट करके बताया कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 24 जून को दोपहर 3 बजे सत्तारूढ़ और सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ इस अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यह घोषणा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने बुधवार के शाम अमित शाह से मुलाकात करने के तुरंत बाद की गई। तथा शर्मा राजद के नॉर्थ ईस्ट चैप्टर रोडा के संयोजक भी हैं। वह एक पखवाड़े पहले इम्फाल का दौरा कर चुके हैं और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह समेत कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। अमित शाह ने पिछले महीने मणिपुर के 4 दिनों का दौरा किया था। ओके, मणिपुर जल रहा है, लोग वहां पर मतई और कुकी समुदाय के बीच में क्या है, भयंकर विरोध हो रहा है आरक्षण को लेकर। ओके साथियों, IIT ने ऑनलाइन कोर्सेज में दे सकेंगे करियर को नई ऊंचाई। तो IIT की ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट हो गई है। अब जरूरी नहीं है कि आप IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में या कहीं भी जाके एडमिशन ले, आप ऑनलाइन एडमिशन लेकर ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने भविष्य को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। बड़ी संख्या में नौकरी पेशा लोग ले रहा है। कहता है केंद्रीय कर्मचारी को न्यूनतम पेंशन अंतिम वेतन का 45% तक करने पर विचार, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपका अंतिम वेतन 1 लाख है तो आपको 45,000 रुपया पेंशन मिलेगा। ओके, मतलब क्या है कि 45%, अगर 100 रुपया है तो 45 रुपया आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इस पे विचार किया जा रहा है। भारत में संयंत्र लगाएगी टेस्ला। अब टेस्ला जो है, टेस्ला किसकी कंपनी है साथियों, एलन मस्क की कंपनी है। और टेस्ला और SpaceX और साथ ही साथ ट्विटर के CEO एलन मस्क ने न्यूयॉर्क में PM मोदी से मुलाकात के बाद भारत में निवेश के दिए संकेत। ओके, तो चलिए अच्छी बात है, बहुत बड़ी कंपनी है और ये तो पगलावा है, कुछ भी कर सकता है। और ये इतना प्रयोग किए, इतना बड़ा असफल हुआ है SpaceX, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारा। और इसीलिए कहता है कि उम्मीद खोना हाथ पांव खोने से ज्यादा बड़ा है। इन्होंने अपना उम्मीद नहीं खोया, आज ये क्या है, विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति की श्रेणी में आ रहे हैं। ओके, केंद्र की चेतावनी के बाद PDS का ऑडिट कराएगी दिल्ली सरकार। PDS नियमों का पालन न करने पर केंद्रीय सहायता रोकने की दी थी चेतावनी किसने, तो दिल्ली ने किसे, तो दिल्ली को दी थी केंद्र सरकार ने चेतावनी। ओके, कहता है प्रमुख हस्तियों से विमर्श कर मोदी की नीतियों पर दिखेगा असर। ओके, उसके बाद कहता है इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को मानने ही होंगे संबंधित देश के कानून। ये किसने कहा है, एलन मस्क ने कहा है। अभी हाल ही में आपको पता है कि ट्विटर के जो पूर्व CEO थे चोपड़ा आर्ची, क्या नाम था उनका, आई डोंट नो, मतलब थोड़ा मिस्टेक हो, वो उन्होंने कहा था कि भारत ने हम पर कई बार डार्सी ने कहा था कई बार हम पे क्या किया गया था, भारत की तरफ से दबाव डाला गया था किसान आंदोलन के दौरान, तो उसी के बारे में इसने कहा है। खरीद के बाद तीनों सेनाओं में इस्तेमाल करेंगे प्रीडेटर ड्रोन। अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि हम और आप करेंट अफेयर की क्लास देख रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति आपका क्वेश्चन बना रहा है वो क्वेश्चन कहां से बना रहा है, वो क्वेश्चन बना रहा है प्यारे भाइयों न्यूज पेपर के माध्यम से, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी लोग जो है वो क्या करते हैं, न्यूज पेपर डेली पढ़ते हैं। तो प्रीडेटर ड्रोन जो है वो हम लोग कहां से खरीद रहे हैं, वो हम लोग अमेरिका से खरीद रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी दौरे का अत्याधुनिक प्रीडेटर ड्रोन की खरीद के लिए समझौते होने की संभावना। इस सौदे के तहत भारत को जल्द ही 31 ड्रोन मिल सकते हैं और ये ड्रोन निगरानी और हमले दोनों ही कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। भारत तीनों सेनाओं में मिलाकर इसका इस्तेमाल करेगी। सरकार बदलने पर जन कल्याण की नीतियों में बदलाव वो लोकतांत्रिक नहीं, हाईकोर्ट। सरकार बदलने पर जन कल्याण की नीतियों में अगर बदलाव हो रहा है वो लोकतांत्रिक नहीं है, ये लोकतंत्र का ही क्या है, जीता जाता उदाहरण है। बंबई हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार में परिवर्तन के साथ ही सामाजिक नीति में बदलाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है और नीतियों और कार्यक्रम के क्रियान्वयन में, जैसे कि मान लीजिए BJP के लिए राम मंदिर मुद्दा है और कांग्रेस के लिए बाबरी मस्जिद हो सकता है, तो सरकार बदलेगा तो मुद्दा तो बदलेगा ही। भारत आए और लोकतंत्र का उत्सव देखे। PM मोदी का G20 देशों को पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में आह्वान का आतंकवाद ने बांटा, लेकिन पर्यटन ने हमें एकजुट किया है। ओके, कहता आगे बढ़ेगी विपक्षी एकता की पहल, एक बनाम एक पर सहमति की गुंजाइश नहीं। ओके, एक 1-4-1 के लिए मतलब क्या है कि एक BJP का उम्मीदवार हो और एक विपक्षी एकता का उम्मीदवार हो, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। और इसकी अगुवाई कौन कर रहे थे, इसकी अगुवाई जो है हमारे बिहार के 20 साल से कुर्सी कुमार कहे जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। वैसे ठीक है, बिहार में इन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन और हो सकता था चचा, जितना आप किए हैं उससे ज्यादा और हो सकता था, और एफर्ट लगाइए, समझ गए ना। महिलाओं के लिए बहुत किए हैं, महिला कमांडो 400 मीटर दूर से दुश्मन पर लगा सकेगी निशाना, आयात कर सकेंगे पुराने मेडिकल उपकरण। 2028 तक 57% मोबाइल ग्राहक करेंगे 5G का इस्तेमाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
भारत ने यूएन में आतंकी मीर के ऑडियो सबूत देकर चीन को घेरा। ओके साथियों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाइडन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बताया तानाशाह, एशिया की चैंपियन बनी बेटियां। मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत ने जीता महिला इमर्जिंग एशिया कप का खिताब, फाइनल में बांग्लादेश को हराया। कहता है श्रेयांक पाटिल और मन्नत कश्यप की फिरकी के जादू से भारत ने अंडर 23 टीम ने बुधवार को फाइनल बांग्लादेश के 31 रन से हराकर पहले महिला इमर्जिंग एशिया कप T20 खिताब जीत लिया। वर्षा के कारण लगभग आधा टूर्नामेंट धुल गया था। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइए अब हम लोग बिहार के और करेंट अफेयर को करें। कहता है पटना में किया गया आम महोत्सव का आयोजन, ओके मैंगो फेस्टिवल। और पता है साथियों कि बिहार के किस आम को, बिहार के जर्दालू आम को मिल चुका है क्या चीज, जीआई टैग मिल चुका है जर्दालू आम। कहां से है साथियों, तो भागलपुर से। ओके, कहता है बिहार के जलालुद्दीन का भारतीय पैरा ट्रैक साइकिलिंग टीम में हुआ चयन। बिहार के जलालुद्दीन का किसमें चयन हुआ है, पैरा, भारतीय पैरा साइकिलिंग मतलब जिसको जो विकलांग है उसके लिए है। बिहार के सभी पंचायतों में 8,387 में लगाई जाएगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी पंचायतों में लगेगा फूड प्रोसेसिंग यूनिट। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में पदक जीतने में पंजाब यूनिवर्सिटी रही शीर्ष पर। ओके साथियों, कहता है जोया गुप्ता को मिला नीदरलैंड में एस्पिनोजा पुरस्कार। बहुत पुराना करेंट अफेयर है भैया, नया लाओ, हमारा तो पीडीएफ है नहीं, हम तो भैया पैरों से नहीं अब हौसलों और मेहनत से चलना है। जी जान लगा देंगे क्योंकि हमने ठान ली है मंजिल से मिलना है तो मिलना है। ओके साथियों, कहता बिहार के किस जिले में आम महोत्सव का आयोजन किया गया, तो बिहार के पटना जिले में आम महोत्सव का आयोजन किया गया। कृषि बागवानी प्रोत्साहन, आम उत्पादन से जुड़े किसानों का संरक्षण, आय साधन में वृद्धि करना और प्रोत्साहन। आम बिहार विविध प्रकार के आम, जीआई टैग मिल चुका है जर्दालू आम का, लेकिन बिहार में तो बहुत सारा तरह का आम होता है साथियों। ओके, बिहार के किस खिलाड़ी का टीम चयन भारतीय पैरा टाइगर एक्स साइकिलिंग हुआ गया है, तो जलालुद्दीन का। और जलालुद्दीन का संबंध कहाँ से है, तो दरभंगा से। बिहार सरकार खेल विभाग, पटना खेल विभाग, विविध खेल प्रदर्शन, साइकिलिंग युवा प्रतिभा खोज, इसी क्रम में जलालुद्दीन का चयन हुआ है। किसके लिए साथियों, दरभंगा से हुआ है पैरा साइकिलिंग के लिए। ओके, तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत बिहार के कितनी पंचायतों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी, 8,387 पंचायतों में। ओके, किसानों की सुविधा, विकास और फसल उचित पर्यावरण के लिए ये लगाया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे गुरुजी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में कौन सी टीम ने पदक जीता है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। प्रथम आयोजन कहां हुआ था, भुवनेश्वर में। द्वितीय आयोजन कहां हुआ, बेंगलुरु में। और तृतीय आयोजन कहां हुआ साथियों, लखनऊ में आयोजित हुआ है। ओके, और लखनऊ के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी BHU में, BHU इसका था आयोजक यूनिवर्सिटी कौन था, BHU था। और तृतीय संस्करण उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी में BHU में। 400 और ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर में उद्घाटन 25 मई 2023 हुआ था। पीएम मोदी वर्चुअली रूप से किए थे, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को नीदरलैंड के स्पिनोजा पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो ज्योति गुप्ता को। ज्योति गुप्ता नीदरलैंड की थायर पर्यावरण शोध एवं विनाश रणनीति के लिए है और इन्हें 10 सम्मान नीदरलैंड क्षेत्र में रखकर। और अब पता है कि भारत में पुर्तगाली के बाद कौन आया था साथियों, तो पुर्तगाली के बाद डच आया था। डच के बाद कौन आया था, इंग्लैंड आया था। इंग्लैंड के बाद कौन आया था, डेनिस आया था। और डेनिस के बाद कौन आया था साथियों, तो फ्रांसीसी आया था। ये सब हम कराते रहते हैं करंट अफेयर की क्लास के साथ साथ, आपको हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी सब मिलेगा देखने को। और डच कहाँ स्थित है, कल का रीजन। हाल ही में बिहार के किस जिले में नेपाल के लिए कार्गो ट्रेन मालगाड़ी सेवा का शुभारंभ किया गया था, अररिया से। अररिया से नेपाल के कहाँ साथियों, अररिया से नेपाल के विराटनगर तक चलेगी मालगाड़ी ट्रेन। ओके, और कुर्था से लेकर जयनगर के बीच में पहले ही व्यक्ति ट्रेन चल रही है। ओके साथियों, मधुबनी के कुर्था से। 66वीं नेशनल स्कूल गेम 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने 78 किलो वर्ग में ताइक्वांडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, अभिषेक कुमार ने। ताइक्वांडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता, अभिषेक कुमार। बिहार के किस जिले के एयरपोर्ट पर सिविल एक्लेव का निर्माण किया जाएगा, तो ये पूर्णिया के एयरपोर्ट पे प्रथम बार बिहार के यात्री सुविधा सुरक्षा के लिए पूर्णिया के एयरपोर्ट पे किया जाएगा। ओके, हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार सम्मानित किया गया, यह राज्य आपका मध्य प्रदेश जल पुरस्कार से। लेकिन सर्वाधिक बिहार कितने नंबर पर रहा, तो बिहार साथियों तीसरे नंबर पर रहा जल पुरस्कार में, बिहार तीसरे नंबर पर रहा, तो पूछा जा सकता है। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने किस देश के साथ प्रीडेटर ड्रोन खरीदा, अभी पढ़ा रहे थे, अमेरिका के साथ। 40 फीट ऊंचाई पर उड़ सकता है, 40 घंटे तक उड़ सकता है, टोटल 31 ड्रोन अभी खरीदा जाएगा, कितना 31। ओके, पता है हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारत
पारा इंडिया अलोंग इट्स शोर पर शुरू किया था नौवहन जलमार्ग और बंदरगाह मंत्रालय ने। ओके कहता है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारतीय अमेरिकी अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ओकलैंड सिटी काउंसिल के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की पहली समलैंगिक महिला बन गई है? तो यह जननी रामचंद्रन। कौन है? जननी रामचंद्रन है। ओके हाल ही में नागरिक उड्डयन 2023 के लिए एस्ट्रोम के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंट के तहत निम्नलिखित में से किसे बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार सम्मानित किया गया? था राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद को। भारत का सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन किस शहर में बनाया जा रहा है? तो पुणे में भारत का सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है। ओके हाल ही में कौन जनजाति भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया? ये बन गया सिस्टेल। जनजातीय भेदभाव पे जातिगत भेदभाव पे प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश राज्य बन गया अमेरिका का सिएटल। ओके हाल ही में आयोजित 18वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का ट्रिपल जंप स्पर्धा में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो सन्नी राज ने। किसने? ट्रिपल जंप, एक बार कूदा फिर कूदा फिर कूदा, तो ट्रिपल जंप में कौन जीता है? सन्नी कुमार, सन्नी राज। ओके हाल में किस राज्य के डाक विभाग ने भारत रेलवे के साथ डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट शुरू किया है? ये बिहार के। इसने बिहार के। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत भारत योजना ये स्टेशन योजना के अंतर्गत बिहार के किस स्टेशन को किस जिले के दो स्टेशन का आधुनिकरण किया जाएगा? बेगूसराय का, बेगूसराय और बरौनी का। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बेगूसराय और बरौनी के स्टेशनों का क्या किया जाएगा? पुनरुद्धार। बिहार राज्य के फर्जी आईडी के से सिम लेने के एक ही आईडी से कितने सिम एक्टिवेट की इसकी जानकारी? तो टैक फ्लो तक पहुंचने के लिए किस पोर्टल से जोड़ा जाएगा? टैप को पोर्टल से। हाल ही में केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्रालय ने बिहार में विभिन्न खनिजों के खनन के लिए कितने खान ब्लॉक का आवंटित किया है? तो 7 खान ब्लॉक। कितना खान ब्लॉक? 7 खान ब्लॉक को आवंटित किया है। ओके पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, तो पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है देवपाल के मुंगेर अभिलेख से। देवपाल का मुंगेर अभिलेख, नारायण पाल का भागलपुर अभिलेख, नारायण पाल का भागलपुर अभिलेख। अभिलेख स्थापना और पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी साथियों। और कहा जाता है कि जब गोपाल ने बंगाल की जनता को पाला तो उसे ऐसे ही पाल का पाल वंशीय होने का मिल गया टाइटल। बिहार के सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है, बिहार का सर्वाधिक सटीक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है अथर्ववेद, प्रमाणिक जानकारी मिलती है और नाम मात्र की चर्चा है ऋग्वेद में और शतपथ ब्राह्मण में भी है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, बिहार में स्थित 3 महाजनपद थे मगध अंग और बज्जी, और ये तीनों महाजनपद की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। किससे? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। ओके साथियों तो याद रखिएगा, मगध की राजधानी थी राजगिरी, अंग की राजधानी थी चंपा और बज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। नालंदा में सराय टीला उत्खनन से प्राप्त हुआ है, नालंदा के सराय टीला उद्घाटन से प्राप्त हुआ है पाल वंशीय साक्ष्य प्राप्त हुए। बहुत सारे साहित्य विनय पीठक दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है मगध के बारे में वैशाली का विवरण। और विनय पीठक में क्या है? विनय पीठक में बौद्ध धर्म के नियम और है। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्व वेत्ता थे कनिंगम, और इन्हें कहा जाता है बिहार में या भारत के पुरातत्व का जनक कहा जाता है। किसे? लॉर्ड कनिंगम को कहा जाता है। ओके नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? लॉर्ड कनिंगम ने। पुरातत्व वेत्ता कनिंगम ने विहार की खोज की, स्तूप की, केसरिया स्तूप, रामपुरवा स्तूप और उसके बाद शेर सासुरी का मकबरा सारा कुछ खोजा है। विदेह के राजा जनक ने निक्स या स्वर्ण सतनाम उपहार दिए, यह कहां वर्णित है? बृहद उपनिषद में। एक सेकंड साथियों, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषीय अभिलेख किस मध्यकालीन शासन से संबंधित है? बिहार का दिल्ली शेरशाह सूर्य से, प्रथम बिहारी शासक था। ओके साथियों, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद महोदय के शिष्य थे। ओके स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। पूरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इनमें सभी कृष्ण बर्मन, अनंत बर्मन, देव बर्मन। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है दिल्ली में। ओके और शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। हजरत निजामुद्दीन औलिया को ही कहा जाता था महबूब ए इलाही, चिश्ती सिलसिला से संबंधित है। ओके
दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में कितने मिनट का अंतर हो जाता है? तो उसके समय में 4 मिनट का अंतर हो जाता है। पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 360 है साथियों। पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर घटता है, और ग्रीन बीच से गुजरता है कौन? प्रधान मध्यान रेखा। और भारत जो है प्रधान मध्यान रेखा से कितना? 5.5 घंटे आगे है, और भारत का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री ईस्ट। ओके, भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? भारत का पूरा क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध और पूर्व उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। इंडिया किस इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम लेखक है अबुल कलाम आजाद। कौन है? अबुल कलाम आजाद है। निम्न में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? कनक वृंदावन जयपुर का नहीं है, हवा महल है, जूनागढ़ फोर्ट है, जोधाबाई प्लेस है। चंद्रमा किन्ने के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है? तो 6 गुना अधिक है साथियों। मतलब कोई चीज यहाँ 60 किलो का है तो चंद्रमा पर कितने किलो का होगा? 10 kg का होगा भार। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है साथियों। डायनासोर विलुप्त हो गए थे जुरासिक युग में, किस युग में? जुरासिक युग में। तारीख मुबारक शाही का लेखक अहिया सरहिंद निम्नलिखित में से किसके शासन काल में था? तो सैयद वंश के शासन काल में था। ओके, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में रावी नदी का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि यमुना का है, गंगा का है और श्रावस्ती का भी है। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? वेस्टर्न चर्चिल ने। एक्चुअली में जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे, तो वहां जाकर गांधी जी ने आधे कपड़े पहन गए थे। बोला ब्रिटिश चर्चिल, बोला अरे भैया पूरा पहन के नहीं आए हो, तुम तो अर्धनग्न फकीर हो। हिमालय निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? समुद्रगुप्त ने। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो हरिसेन के द्वारा लिखा गया, इसमें इसकी जानकारी मिलती है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक इनमें से कोई नहीं था, मोहम्मद बिन तुगलक, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में करना है। कन्याकुमारी में जैसे कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। ओके, और कन्याकुमारी में ही भारत का दक्षिणतम मुख भूमि का दक्षिणतम बिंदु स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट पर, जिसका नाम है केप कोमोरिन। क्या नाम है? केप के मो रीन नाम है। और सबसे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो कहाँ है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। ये कितने डिग्री पर है? 6 डिग्री 4 मिनट पे। ओके, याद रखिएगा। कहता भारत में पंचायती राज का आरंभ कब हुआ था? 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 से। ओके, राजस्थान से दूसरा राज्य कौन था? तो दूसरा राज्य था आपका साथियों। कहता भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया। ओके, प्रेरणा सोवियत संघ से सहयोगी। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है। ओके, और सबसे पहला दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है ओडेंटियोलॉजी। दांतों के संबंधित विज्ञान है ओडेंटियोलॉजी। सपाट अस्थियों का अध्ययन है खोपड़ी। सपाट अस्थियां कहाँ होती है? खोपड़ी में। ऑस्टियोसाइट क्या है? अस्थियां, ऑस्टियोसाइट अस्थियां। जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? जानू फलक का नाम है जीविका पोटला। ओके, मानव अस्थि पंजर कंकाल में हड्डियां होती है 26। कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। दांत और हड्डियां किससे मजबूत होती है? देखता है कैल्शियम से। ओके, 3 से 4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांत में शामिल नहीं होता है प्रीमोलर। प्रीमोलर यानी कि अग्र चबर्णक, अर्ध चबर्णक शामिल नहीं होता है। जोरों पर यूरिक एसिड क्रिस्टल का एकत्र हो जाने से क्या होता है? गठिया रोग। हमारे शरीर के किस कोशिका में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति प्राप्त है? तो मस्तिष्क कोशिका में। अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? ओसोग्राफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओसोग्राफ्ट कहते हैं। घोड़े और गधे में से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहते हैं? खच्चर कहते हैं। घोड़े और गधे के पैदा जानवर की संकर जाति को खच्चर। जिन शब्द किसने बनाया था? तो जिन शब्द WL जोहानसन ने। किसने? WL जोहानसन ने जिन शब्द बनाया था। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? तो सेक्स हार्मोन का पता एस्टेटिक यूजीन ने लगाया था। पहली क्लोनित भेड़ का नाम क्या है? पहली क्लोनित भेड़ का नाम है डॉली। आज का गर्दा सवाल है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो स्वतंत्रता का अधिकार अधिनियम। और स्वतंत्रता का अधिकार अधिनियम कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है साथियों। ओके साथियों, और संवैधानिक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार क्या है? तो 29-30 में है साथियों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। ओके, और समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है साथियों। आज का सवाल है ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो पीछे एक सवाल पूछ चुके हैं आज का, इसलिए आज के सवाल का जवाब हम देते हैं। आप इस सवाल का जवाब दीजिए, तुगलक वंश का आखिरी शासक कौन था? तुगलक वंश का आखिरी शासक कौन था? इसका जवाब आपको देना है। ओके, चलिए अब दूसरे करंट अफेयर की ओर चलते हैं साथियों। दूसरा करंट अफेयर क्या है आज का? मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है कुमार गौरव सर की करंट अफेयर की क्लास। ओके, पहला है आज 9वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस विश्व भर में मनाया जाएगा, मनाया गया। ओके, हो गया। स्पेस एक्स इंडोनेशिया के लिए सितारा 1 संचार उपग्रह किया लॉन्च।
ओके, इंडोनेशिया के लिए सितारा वंश किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने। वैश्विक स्तर पर भारत जारी जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट के तहत एलईडी नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने में रहा शीर्ष पर। ओके, गूगल के स्थानीय प्रशासकों की सहायता के लिए प्रारंभ किया भारतीय भाषा कार्यक्रम। गूगल ने क्या किया? भारतीय भाषा कार्यक्रम शुरू किया। इंडिगो ने एयरबस के 500 विमानों का ऑर्डर देकर विमान इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी डील की। ओके, केंद्र ने सरकारी अधिकारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर दक्षता पाठ्यक्रम किया लॉन्च। आईजीओटी दक्षता। ओडिशा के पुरी में प्रारंभ हुई विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, और कहता है रॉ के नए प्रमुख होंगे छत्तीसगढ़ कैडर का आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा। ओके साथियों, और G20 पर्यटन कार्य समूह की अंतिम बैठक गोवा में हुई संपन्न प्रारंभ। और कहता ओलंपियन भवानी देवी एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली बनी पहली भारतीय तलवारबाज। और तेजिंदर पाल सिंह तूर ने भुवनेश्वर अंतरराज्य चैंपियनशिप में गोला फेंक में बनाया नया एशियाई रिकॉर्ड। किसने? तो तेजिंदर पाल सिंह तूर ने गोला फेंक शॉर्ट पुट फेंकने वाले खिलाड़ी है। कहता है क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के सर पर लिखता मिटाता हूं मैं, गीत नया गाता हूं मैं, गीत नया गाता हूं। गाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नवा संस्करण मनाया गया। इस बार का थीम था वासुदेव कुटुंबकम। और संयुक्त राष्ट्र सभा के 69वें पीएम का संबोधन हो रहा है और वहीं पर इन्होंने 108 देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग किया है। और भारत में जो है योग का राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ जबलपुर में और इसका उद्घाटन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। ओके, तो सारा कुछ करा ही दिए थे पहले से। विश्व इकोनॉमिक्स होता है और विश्व का सबसे बड़ा दिन जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। आपको पता है उत्तरी गोलार्ध को पृथ्वी हमारा यहाँ रहता है लेकिन एक्चुअली में सन यहाँ है और ये क्या है तो ये विषुवत है लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर क्या है साथियों तो यहाँ पर सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, 21 जून को क्या होता है तो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इसीलिए क्या होता है उत्तरी ध्रुव इस दिन को मनाया जाता है साथियों। ओके, 22 दिसंबर को दिन और रात बराबर होता है और 21 जून को सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है साथियों? 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है आपका दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में। 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होता है। योगा बुध का देख रहे हो, योगा करेगा तैसे और बुध का पिएगा तैसे घोलट जाओगे। चार बाग शैली हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में स्थित है। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? छतरपुर एमपी में है। किसने बनाया था? चंदेल शासक ने। कंदरिया महादेव का मंदिर भी कहाँ है? तो यही है। और इसके किसने बनाया था? तो चंदेल शासकों। नागर शैली द्रविड़ शैली किसकी शैलियां थी? तो मंदिर निर्माण शैली थी नागर शैली और द्रविड़ शैली। और ये शैली कहाँ है? तो साउथ की है। और नागर शैली कहाँ? नॉर्थ की है। और द्रविड़ शैली कहाँ की है? साउथ की है। ओके साथियों, द्रविड़ शैली में इस तरह से टीला होता है और ऊपर पे क्या होता है? शिव गुंडम लगा। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। और औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो संभाजी नगर कर दिया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है बीबी का मकबरा संभाजी नगर औरंगाबाद में। और ये क्या है? औरंगजेब की पत्नी रबिया उद्दौरानी का मकबरा है। निम्नलिखित में से स्पेस एक्स ने किस देश के सितारा वन संचार को लॉन्च किया था? इंडोनेशिया के। स्पेस एक्स जो कि किसकी कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी है। इंडोनेशिया को उपग्रह को क्या किया है? लॉन्च किया है साथियों। ओके, और इंडोनेशिया में तो हेडक्वार्टर क्या है? जकार्ता है। आसियान का हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया में। ज्वालामुखी क्या है? तो सिनुआ और करकोसोवा। अध्यक्ष कौन थे? गरुड़ शक्ति, समुद्री शक्ति। युद्ध अभ्यास भारत किसके साथ करता है? इंडोनेशिया के साथ। राष्ट्रपति अभी इंडोनेशिया कौन है? जोको विकोडोडो। नई राजधानी किसे बना रहा है इंडोनेशिया? तो नुस्तारा को बना रहा है। किसे बना रहा है? नुस्तारा को बना रहा है साथियों। ओके, ये और आपको पता है अध्यक्ष है भारत का भी इसरो के कौन? सोमनाथ अध्यक्ष थे। और इसरो ने पीएसएलवी सी फोर भूटान के उपग्रह को छोड़ा है और साथ ही साथ सिंगापुर के उपग्रह को छोड़ा है पीएसएलवी C-53 के तहत। ओके, ये दोनों रॉकेट हट जाएगा, ये भी हट जाता है, बस इतने ऊपर जाता है, ठीक है ना साथियों। जीएसएलवी अक्टूबर NBS-1 को छोड़ा गया। NBS-1 क्या है? तो नौवाहन संचालन के लिए है। कौन सी? NBS-1। ये भी किसके द्वारा छोड़ा गया? GSLV-F12 के द्वारा छोड़ा गया है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉप को। एक्चुअली में क्या किया गया था? चार्ल्स मेटकॉप ने प्रेस पर लगे हर प्रतिबंध को मिटा दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया था? लॉर्ड लिटन। कब लाया था? तो 1878 में लाया था। इसे कहा जाता है गेगिंग एक्ट। और इसी के तहत किसने किया था? तो इसने
जो लॉर्ड लिटन है, ये अंग्रेजी भाषा छोड़कर और हर भाषा के समाचार पत्र प्रतिबंध। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? 1973 में, और इसके 50 साल पूरे हो गए कब? 2022 में। और वर्तमान में टाइगर कितना है? 3367 टाइगर है। ओके, वैश्विक स्तर पर जारी ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट के तहत सर्वाधिक लीड नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन है? तो ये भारत है साथियों। ओके, कौन है? भारत है। ओके, भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंक कितना? 126वां। एसडीआई इंडेक्स में रैंक कितना? 132वां। प्रेस इन फ्रीडम इंडेक्स में रैंक कितना? 161वां। देख रहे भाई, प्रेस में तो क्या है, एकदम बंटाधार है। उसके बाद हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना है? तो 126वां है। एचडीआई में 132वां है। हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 107वां। विश्व हंगर रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है? 107वां है साथियों। ओके, उसके बाद क्या है, 38वां है किसमें, और 8वां है आपका क्लाइमेट चेंज में, टॉप 3 में। उसके बाद 5 प्लानिंग में, और ये क्या है, यूनिकॉर्न, थर्ड नंबर पे। यूनिकॉर्न में किसने नंबर पे है? थर्ड नंबर पर है साथियों। ओके, आइए कथा। भारत में संविधान संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन है? तो भारत में संविधान संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। एक सदस्य था आपका भीमराव अंबेडकर और अगले सदस्य 6 सदस्य थे। ओके, और प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। ओके, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 21 के ए में जोड़ा गया है किसे? शिक्षा का अधिकार अधिनियम को कब जोड़ा गया? 2002 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा क्या जोड़ा गया था? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस जोड़ा गया था, ठीक है। हाल ही में स्थानीय प्रशासकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? तो गूगल ने। किसने प्रारंभ किया? गूगल ने प्रारंभ किया है। ओके, अगला देखिए, आपको पता है ओपन आई चैट जीपीटी किसने लॉन्च किया? रूस ने लॉन्च किया है गीगा चैट जीपीटी, और गूगल ने लॉन्च किया है काउंटर के लिए बोर्ड। प्रोजेक्ट एलोरा जो है माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, किसने? प्रोजेक्ट एलोरा। और यूट्यूब के सीईओ कौन है? नील मोहन है। कौन है? नील मोहन जी है। ओके साथियों, कहता है कौन सी किस्म कोयले की सर्वश्रेष्ठ किस्म होती है? एंथ्रासाइट। कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है साथियों। कौन से भाग में नागरीय शासन का प्रावधान है? नागरीय शासन का प्रावधान है भाग अनुसूची 12 में और भाग 9 के ए में। ओके, और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा से जोड़ा गया। भारत अनुसूची 12 में कुल कितने विषय? अनुसूची 12 में कुल 18 विषय हैं, और अनुसूची 11 में जो है वो कितना विषय है? तो 29 विषय है। कितना विषय है? 29 विषय है। कौन सी भारतीय विमानन कंपनी एयरबस से 500 विमानों की खरीद करेगी? तो ये इंडिगो कर रही है। कौन कर रही है? इंडिगो कर रही है। 500 एयरक्राफ्ट खरीदने की एयरबस कंपनी है इंडिगो। ओके, और 2023 में एयर इंडिया जो टाटा खरीद लिया था, ये भी दिया था 470, लेकिन ये 50-50% दिया था बोइंग और एयरबस को, लेकिन इंडिगो ने पूरा 500 का 500 किसे दे दिया है? एयरबस को दे दिया है साथियों। ओके, कहता है राष्ट्रीय गान कब लागू हुआ? राष्ट्रीय गान जो है कब लागू हुआ साथियों? आइए एक ही चीज में सब नष्ट नाबूद करते हैं। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना पेश किया गया था, और 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना क्या हुआ? लागू हुआ। और 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक लागू हुआ, और सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 के अधिवेशन में गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को क्या किया गया? अधिकृत किया गया, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 22 जुलाई 1947 को। और काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया? महाराष्ट्र में। 29 जुलाई 1947 को प्रारूप समिति की आखिरी बैठक हुई थी। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया? नागालैंड में। चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ मनाया गया? शिलोंग मेघालय में। सिराई लिली महोत्सव कहाँ मनाया गया? सिराई लुली महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों के कौशल को बढ़ावा के लिए कौन सी पहल शुरू किया था? दक्षता पहल। कौन सी पहल? दक्षता पहल सरकारी अधिकारियों के मिशन कर्मयोगी के तहत। ओके साथियों, तथा कौन से ग्रह सौर मंडल के आंतरिक ग्रह में शामिल है? तो बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह में शामिल है, ये 4 उपग्रह। और बाकी इसके बाद का जो उपग्रह है वो क्या है? बाह्य उपग्रह। इसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मतलब क्या है? ये पत्थरों से बना है। पहले एशियाई खेल कब हुए? तो पहले एशियाई खेल नई दिल्ली में 1951 में। पहला ओलंपिक खेल कब हुआ था? 1896 में। ओके, कहता है 2024 में ओलंपिक कहाँ होंगे? पेरिस में। WPL वर्ल्ड प्रीमियम कहता वुमेन्स प्रीमियर लीग पहली बार हुआ था, मुंबई विजेता बना है। मुंबई की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। आईपीएल 2023 में 16 किसने जीता है? तो 10 टीमों ने हिस्सा लिया था,
और सीएसके जीता है पांचवी बार और गुजरात टाइटंस हार गया है। ऑरेंज कैप मिला था सुमन गिल को और पर्पल कैप मिला था मोहम्मद शमी को। साथियों ओके, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कहाँ स्टार्ट हुई है? ओडिशा में, और ओडिशा में ही मनाया जाता है रथ पद, नुआखाई महोत्सव और धानु यात्रा महोत्सव। और रज पर्व, नुआखाई महोत्सव, धानु यात्रा महोत्सव, ये सब कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में। ओके, और कहता 20 जून 2023 को आजाद शुक्ल की तृतीया को 9 दिन का क्या है, मौसी घर से रेस्ट वापस अखबार शुक्ल 10। ओके, गर्मी में घूमने जाते हैं भगवान जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा, ये सभी क्या होते हैं, अपने मौसी के घर घूमने जाते हैं रथ पे। ओके, तीन रथ रहता है, भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का रथ है ये, और नंदी घोष के रथ के साथ 20 जून को आषाढ़ शुक्ल के द्वितीय रथ यात्रा, बहुधा यात्रा, जगन्नाथपुरी, नारियल लाठी, लटपीला, मौसी का घर हल्का होने के लिए जाते हैं 9 दिन, पहाड़िया यात्रा, प्रतिमा के रथ। ओके, कहता है क्या है सील सील सिलम बम, क्या है सिलम बम, कहा है तमिलनाडु में, क्या है मार्शल आर्ट है, करी कलारी पट्टू, क्या है तो केरल का मार्शल आर्ट है कलारी पट्टू। ओके, कहता है थांटा मणिपुर का मार्शल आर्ट क्या है, थांटा है। मलखम कहाँ का मार्शल आर्ट है, तो मध्य प्रदेश का मलखम है मार्शल आर्ट। हाल ही में ड्रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो ड्रॉ के प्रमुख बने हैं रवि सिहाग, और आपको रवि सिहाग के बारे में पूरा डिटेल करा ही दिए हैं, ये किस बैच के हैं, ये छत्तीसगढ़ कैडर के हैं, लेकिन इनका संबंध बिहार के भोजपुर जिले से भी है। ओके, सीबीआई के निदेशक कौन बने हैं, तो प्रवीण सूद। सीबीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। मुख्य निर्वाचन आयोग कौन है, राजीव कुमार है। उसके बाद क्या है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, ऋतुराज जी बने हैं। ठीक है ना साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मूक नायक किसकी फिल्म थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। मूक नायक किसकी पत्रिका है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। मुद्रा राक्षस किसकी पत्रिका है, विशाख दत्त की, जासूसी ग्रंथ है। स्टेच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ, लातूर महाराष्ट्र में बी आर अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित की है, जिसका नाम है स्टेच्यू ऑफ नॉलेज, स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी का हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य का। पंचायत का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, 40वें अनुच्छेद में किया गया। ओके, हाल ही में G20 पर्यटन कार्य समूह के अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, गोवा में। हाल ही में G20 का अंतिम कार्य समूह का बैठक गोवा में किया गया, और अगला जो बैठक है ये कहाँ होने वाला है साथियों, ये आपके बिहार में होने वाला है, पर्यटन मंत्रियों का 40वां अंतिम बैठक गोवा में। ओके, गोवा, और गोवा तो 1987 में भारत का राज्य बना था। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 19 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन गोवा राज्य दिवस कब मनाया जाता है, 30 मई को मनाया जाता है। ओके, प्रथम जनगणना किसने काल में हुए थे, 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। 10 की आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था, 1881 में रिपन के कार्यकाल में। जनगणना किस सूची का विषय है, तो संघ सूची का विवाद है, विवाद लॉर्ड रिपन ने इलवर्ट बिल भी कौन लाया था, लॉर्ड रिपन 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के जनगणना आयुक्त थे चंद्रमौली। जनगणना के अनुसार एकमात्र राज्य जिसकी जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही है वो थे नागालैंड। ओके, और हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बन गई, भवानी देवी। ओके, चीन में आयोजन हुआ है, भवानी देवी ने पहली बार जीता है। कहता है दफा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, राजस्थान में बाबरमा टाइगर रिजर्व है। उसके बाद रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो तिरपरमा है, नवीनतम है, कहाँ बना है, यूपी में। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। ओके, और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, जी शंकर ग्रुप को। सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया, इस बार का शिव शंकरी को प्रदान किया गया, सूर्यवंशम के लिए। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को प्रदान किया गया, ज्ञान चतुर्वेदी पागलखाना के लिए। ओके साथियों, और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर क्रूप को प्रदान किया गया था। तिजन पर पाल सिंह तूर ने भुवनेश्वर में आयोजित चैंपियनशिप में गोला फेंक में बनाया एक विश्व रिकॉर्ड होकर करा ही दिए। तो ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर की क्लास साथियों, जो कि आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी। अगर आप और देखना चाहते हैं तो नुसरत चौधरी करा ही दिए हैं, अमेरिका में बन रही है। ओके, उसके बाद ये भी करा ही दिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के रवि सिन्हा, उसके बाद आपका ये भी करा ही दिए होंगे। क्या कहता है, अहिंसक और गांधीवादी तरीके के माध्यम से सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में उनके असाधारण योगदान के लिए 2021 में गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, गीता प्रेस को कराई दिए हैं। ओके, गीता प्रेस की स्थापना 1927 में हुई थी, कराई दिए थे पूरा डिटेल में। साहित्यिक कार्यों के लिए प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, सलमान रश्दी को, ये भी करा ही दिए पूरा डिटेल में। ओके, ठीक ना, सलमान रश्दी को, सलमान रश्दी मिड नाइट चिल्ड्रेन किसकी रचना है, सलमान रश्दी की ही रचना है। ओके साथियों, उसके बाद ये भी करा दिए हैं।
भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो लेबनान को हरा होके साथियों ये भी करा दिए हैं। उसके बाद ये भी करा दिया, भारत में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में 2022 में इसी अवधि में की तुलना में जनवरी मई 2023 के दौरान कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? 36%। ओके ओके उसके बाद क्या है, चार्ल्स विलियम्स फाउंडेशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अरुंधति रॉय को। ये भी करा दिए, ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी रचना? अरुंधति रॉय की है। ओके महावीर मंदिर क्या कर रहा है? तो उसके सर्व संस्थान के लिए 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था कर रहा है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप रग्बी जूनियर में रग्बी बॉयज चैंपियनशिप 23 से 14 जून को बीच पुणे छत्रपति स्टेडियम में खेला गया और इसमें जो है राजस्थान को हराकर बिहार क्या बना है? रग्बी में फाइनल में लाइव रग्बी में नंबर वन टीम बन गया, जीत गया रग्बी। डिजिटल स्वास्थ्य परियोजना के तहत बिहार के 4 जिलों मुजफ्फरपुर, नालंदा और गोपालगंज और सीवान में पायलट प्रोजेक्ट पर लागू किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य बिहार में डिजिटल स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को क्या करना बेहतर। दूसरा वंदे भारत ट्रेन चला पटना टू कोलकाता, वंदे भारत एक्सप्रेस पहला चला था पटना टू रांची। बिहार की दूसरी वंदे भारत ट्रेन पटना से कोलकाता के बीच चलेगी। पटना से कोलकाता के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन राजस्थान में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा यांत्रिक और विद्युत परीक्षण किया जा रहा है। बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र अगस्त माह तक पटना के सामान्य डाकघर में खोला जाएगा। डाक निर्यात केंद्र इसमें पटना व आसपास के क्षेत्र में उद्यमों को माल विदेश भेजने की आसानी होगी। ओके कहता बिहार के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी विभाग किया गया है। बिहार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीक शिक्षा विभाग कर दिया गया है। ओके साथियों राजा उत्सव उड़ीसा में मनाया गया, आपको बता दिया सब कुछ डिटेल में। G20 का थीम बता दिया, G20 का सम्मेलन कहाँ होने वाला है? तो बिहार में होने वाला है। ये था आपका आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर। अब आप लोग क्या कीजिए, इस पूरे करेंट अफेयर को देखिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख रहे थे साथियों सर्वेश क्लासेस KGG। अपने तैयारी में पूरी तरह व्यस्त रहना है, बस लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है और फिर आगे के कार्यक्रम में जुड़ जाना है। राधे राधे, वंदे मातरम, सबा खैर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आशीर्वाद दीजिए अपना लाइक सब्सक्राइब और शेयर के द्वारा। राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्ते।